ये फाउंडेशन है क्या, क्या काम करती है और दूसरी फाउंडेशन से हटके क्यों है? चाहे वो ऑन स्क्रीन है, बैक स्क्रीन है, मीडिया वर्कर है, प्रोड्यूसर है, वो इस तरीके का मेंबर बन सकता है। आप इस फील्ड में आए, लोगों का सामना करें और आकर काम करें। रिपोर्टर से ही आप अपनी रिपोर्टिंग की शुरुआत करें, क्योंकि जो एक्सपीरियंस रिपोर्टर के पास होता है वो एंकर्स के पास भी नहीं होता। आपको हम वेलकम करते हैं, आप तशरीफ लाएं। मोहसिन शहजाद मुगल साहब, मुझे बताएं YGF है क्या चीज, आप इसके फाउंडर हैं, मकसद क्या है, क्या काम कर रही है? बाइजन मीडिया इंडस्ट्री को देखा जाए तो मीडिया इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी जितनी तंजीमें हैं, मैं नाम नहीं लेता, 4-5 बड़ी तंजीमें और जितने भी प्रेस क्लब्स हैं, आप कहीं भी जाएंगे तो आपको बुजुर्ग हजरात, वो हमारे सीनियर्स हैं, तो हर जगह आपको वो लोग नजर आएंगे। हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो उनके साए की वजह से, उनकी मौजूदगी की वजह से इग्नोर हो जाते हैं बड़ी बड़ी तंजीमों में हर जगह पर। तो हमने कहा कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म की पाकिस्तान में ज़रूरत है कि जिसमें सहाफ़ियों के, यूथ की तो बड़ी तंजीमें हैं, हर पार्टी की अपनी विंग है, हर पार्टी की अपनी तलबा विंग है, तो सहाफ़ियों की यूथ विंग क्यों ना हो। मतलब PFU जो है, PU जो है, तो प्रेस क्लब्स हैं, तो इनकी यूथ विंग क्यों नहीं हो सकती। तो हमने फिर एक प्योरली मीडिया की तंजीम लॉन्च की जो यंग मीडिया की तंजीम है, यंग जर्नलिस्ट फेडरेशन। इसमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, तीनों के जो यंगस्टर हैं, चाहे यंगस्टर हो जिसका तल्लुक प्रिंट से हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, किसी से भी हो, चाहे वो ऑन स्क्रीन है, बैक स्क्रीन है, मीडिया वर्कर है, प्रोड्यूसर है, कोई भी है, वो इस तंजीम का मेंबर बन सकता है। मेन हमारा जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो है डिजिटल मीडिया, कि डिजिटल मीडिया को उसके राइट्स दिलवाने। डिजिटल मीडिया को हमेशा इग्नोर किया जाता है, चाहे वो हुकूमतें हों, चाहे वो मीडिया चैनल्स हों, मीडिया मालकान हों, हर जगह से डिजिटल मीडिया को इग्नोर किया जाता है। एक तो इनको इनका हक दिलवाना है, दूसरा हमने सीनियर सहाफ़ियों को अपने यंगस्टर्स के साथ कनेक्ट करने का प्लेटफॉर्म बनाया कि जिसमें सीनियर और जूनियर दोनों इकट्ठे हैं। ख़वातीन के लिए ये फाउंडेशन जो या फेडरेशन कितनी सेफ़ है और यहाँ पर उनके लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं? ऐसा तो नहीं है मेल डोमिनेट हो जाए या फीमेल डोमिनेट सी आ जाए, यानी इक्वल काम करने का? बिल्कुल इक्वल है। हमारी जो टीम है उसमें हमारे पास 8 से 9 रिपोर्टर्स हैं जो फीमेल हैं, वो हमारी सेंट्रल टीम है। 26 लोगों में से कुछ 10 के करीब फीमेल लोग हैं हमारे पास, तो हमने दोनों को यकजा लेकर चल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल कोई सीन नहीं है। हमारी इसमें मेंबरशिप की 7-8 टाइप्स हैं, 10 साल एक्सपीरियंस है, 5 साल एक्सपीरियंस है, सबकी डिवीजन है। तो ये पूरा हैवी प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहा है, हमारी वेबसाइट मौजूद है, आप जाकर यंग जनरेशन प्रेशर ग्रुप तो नहीं बने? बिल्कुल भाईजान, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। ये एक सहाफ़ियों की तंजीम बनेगी जो सहाफ़ियों की आवाज़ बनेगी, और ये यंग जर्नलिस्ट फेडरेशन .org के नाम से हमारी वेबसाइट है, सर्च करें, विजन मिशन सब कुछ मिलेगा। मेरा नाम रमशा गुल है और मैं एक्सप्रेस न्यूज़ में न्यूज़ एंकर हूँ। क्या करना चाहिए खवातीन को, या अगर जर्नलिज्म पढ़ रही हैं या पढ़नी भी चाहिए या नहीं, क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल? मैं ये कहना चाहूँगी कि अच्छे बुरे लोग हर फील्ड में होते हैं, इसलिए अगर आप जर्नलिज्म ज्वाइन आना चाहते हैं यहाँ पर, तो आपको ये नहीं देखना चाहिए कि यहाँ पर बहुत बुरे लोग हैं, क्योंकि आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। लेकिन आप अपने आप पर मेहनत करें, अपने काम पर मेहनत करें, और जब आपको पता है कि आप अपने काम से अपना आप मनवा सकती हैं, तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप इस फील्ड में आएँ, लोगों का सामना करें और आकर काम करें। ट्रैवलिंग करनी पड़ रही है, टाइम का कोई इशू होता है, इस हवाले से कैसे मैनेज करती हैं आप? ये बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, ये चीज़ें मैं भी फेस करती हूँ, मेरी मदर को भी परेशानी होती है जब मैं नाइट शिफ्ट करती हूँ। लेकिन ये होता है कि आपको अपनी फैमिली को समझाना पड़ता है, बाहर निकलते हैं हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, लेकिन आप सेफ़ हैं, आप एक इदारे में काम करते हैं, उस इदारे की जिम्मेदारी है आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, और वहाँ पर कैमराज होते हैं, आपका काम है आप उन्हें ट्रस्ट मिलें, अपने पेरेंट्स को। वो आप जब आप उन्हें ट्रस्ट मिलेंगे, वो आपके साथ खड़े होंगे, तो शायद नाइट शिफ्ट हो, चाहे आप दूसरी सिटी में हो, तो आप आराम से काम कर सकते हैं। फाउंडेशन है क्या, क्या काम करती है मुख्तसर, और दूसरी फाउंडेशन से हट के क्यों आए? बाकी सहाफ़ी तंजीमें बेशुमार हैं, आप भी जानते हैं, कोई भी तंजीम ऐसी नहीं है, कोई प्रेस क्लब के हवाले से कुछ है, अगर सीनियर सहाफ़ियों की तंजीम है, कोई अखबार के सहाफ़ियों की, कोई डिजिटल की है, ये एक ऐसी तंजीम है जिसमें कोई कैदोबंद नहीं है। अगर आप नौजवान सहाफ़ी हैं, 18 से 40 साल तक आपकी उम्र है, किसी भी प्रिंट मीडिया से आपका ताल्लुक है या डिजिटल से किसी से भी, हम आपको ऑन करते हैं और हम आपकी प्रोटेक्शन, आपकी डेवलपमेंट, आपकी नेटवर्किंग के लिए जो वो काम करते हैं, ये तंजीम का मकसद ये है बेसिकली। मेरा नाम समना कमाल है, 365 न्यूज़ में मैं बतौर पॉलिटिकल जर्नलिस्ट काम करती हूँ। कितने अरसे से काम कर? मुझे 5 साल हो गए इसमें। समना मुझे ये बताएं कि ख़वातीन जो मीडिया की स्टडीज़ जो हैं वो कर रही हैं और आगे जर्नलिज्म में आना चाहती हैं, रिपोर्टिंग करना चाहती हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो 5 साल में आपने सीखी, उनको आप विद इन 2 मिनट्स आप बताना चाहेंगे, यार ये करना, इससे आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आएगी, करियर में इम्प्रूवमेंट आएगी? जी देखिए, जैसे कि आपने स्टूडेंट्स के बारे में बात की कि जो स्टूडेंट्स इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो मैं उन्हें यही कहूँगी कि हर यूनिवर्सिटी में हज़ारों की तादाद में मैथ्स कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन उनमें से हर क्लास में से 1-2 बच्चा ही आगे आ सकता है। ख़वातीन के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है फील्ड में आना, घर वालों से परमिशन लेना, फिर फील्ड में काम करना। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग को स्टडीज़ के साथ ही मौका मिलता है मीडिया में काम करने का,
तो लाजमी करें उस अपॉर्चुनिटी को, लाजमी अवेल करें, क्योंकि जब आपकी डिग्री आपके हाथों में होगी तो आपने कम अज़ कम मीडिया में 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस ले लिया होगा, और स्टडीज़ के साथ मीडिया में काम करने का ये भी फ़ायदा होगा कि आपको स्टडीज़ में भी फ़ायदा होगा, और जब आपकी डिग्री कम्प्लीट होगी किसी बड़े इदारे में जाएंगे वो आपको ये नहीं कहेंगे कि भाई आप एक्सपीरियंस लेकर आओ। कम्युनिकेशन स्किल्स पर आपका सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, न्यूज़ आप लोग देखा करें, लोगों से मिला करें। लोग कहते हैं कि शीशे में प्रैक्टिस करो, लेकिन मैं आपको बताऊँ शीशे से प्रैक्टिस करने का भी कोई फ़ायदा नहीं। जितना आप फील्ड में जाओगे ना, और एज अ रिपोर्टर मैं हर किसी को कहूँगी कि रिपोर्टर से ही आप अपनी रिपोर्टिंग की शुरुआत करें, डायरेक्ट एंकरिंग में ना जाए, क्योंकि जो एक्सपीरियंस रिपोर्टर के पास होता है वो एंकर्स के पास भी नहीं होता है।